हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भिंडी की कलौजी की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये बहुत ही झटपट बन जाती है और इतनी चटपटी बनती है कि आपके परिवार को बहुत ही पसंद आएगा। और भिंडी आप अपने खाने में ज़रूर शामिल किया करिए, क्योंकि इसके में बहुत ही अधिक मात्रा में फाइबर होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं भिंडी की कलौजी कैसे बनाती हूँ। भिंडी की कलौजी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है। तो ऐसे मैंने छोटे छोटे पीसों में भिंडी लिया है और इन्हें धुलकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसका पानी मैंने एक कपड़े से पोंछ दिया है ताकि अच्छे से पानी सूख जाए। और इसे मैंने ऊपर से काट दिया थोड़ा सा और नीचे से थोड़ा सा काट दिया, और बीच में मैंने चीरा लगा दिया। और इस तरह आप चेक कर लीजिए कि कोई इसमें कीड़ा वगैरह ना हो। तो मैं दूसरा भी आपको कट करके दिखा दूँ कि मैंने कैसे काटा है। तो इस तरह से आप बीच में चीरा लगा दीजिए। अब इसी तरह से मैं सारी भिंडियों को काट लूँगी। तो मैंने सारी भिंडियों को काट लिया है। अब मैं इसे साइड कर दूँगी और इसके लिए मैं मसाला तैयार करूँगी। तो मैंने मसालों में लिया है जीरा, काली मिर्च, दो हरी इलायची, चार लौंग। बहुत ही कम मसाला इसमें लगता है और बहुत ही चटपटा बनता है। तो मैंने सारे मसालों को ग्राइंडर जार में डाल दिया। अब इसे हमें ग्राइंड करना है। तो मैंने इसे थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड किया है। अब इसमें हमें कुछ और मसाले ऐड करने हैं। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए और लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। और इसके साथ मैं आमचूर पाउडर डालूंगी। करीब 1 टेबल स्पून मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। और सारे मसालों को अच्छे से मिला लीजिए। मैंने मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब हमें करना है कि जो भिंडियाँ हमने कट करके रखी थी उसमें सारे सारे भिंडियों में मसाला हमें भरना है। तो आप भिंडियों को ऐसे हाथों से फैला लीजिए और थोड़ा थोड़ा मसाला लेके हाथों में ऐसे भरते जाइए। तो इसी तरह से हम सारी भिंडियों में मसाले को भर देंगे। तो देखिए इस तरह से आप सारे भिंडियों में मसाले को भर दीजिए। तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि किस तरह ये मसाले भरने हैं। तो ये सारे में मैंने मसाला डाल दिया है। अब हमें करना है कि एक पैन में थोड़ा सा आप मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। और जब ऑयल हिट हो जाए तो आप इसमें सारी भिंडियों को डाल दीजिए। जितना आपका भिंडी इसमें आ जाए उस हिसाब से आप पैन में डाल दीजिए। तो ऐसे भिंडियों को डालने के बाद आप थोड़ा ऐसे पैन को हिला दीजिएगा ताकि अच्छे से तेल जो है सब तरफ फैल जाए। तो मेरी सारी भिंडियाँ इसमें करीब आ गई थी, तो मैंने सारी डाल दी है। अब हमें 2 मिनट के लिए ढक देना है। अब 2 मिनट बाद मैं खोल के देखूंगी तो एक तरफ से हमारा ये पक गया है। तो इसको आप फिर से टर्न कर दीजिए ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए।
तो सारे मैंने पलट दिए हैं भिंडी को। अब मैं फिर 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से ये कुक हो जाए। तो जो भिंडियाँ सही से क्रिस्पी नहीं हुई हैं तो आप उनको फिर से थोड़ा पलट दीजिए। तो मैंने सारी भिंडियों को देखी अच्छे से, मेरा क्रिस्पी हो गया है सारी भिंडियाँ और ये हमारी भिंडी की कलौजी बनके रेडी। एक बार आप इस तरह भिंडी की कलौजी बना के देखिएगा, बहुत ही चटपटा सा लगता है खाने में। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।